वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक अमेजिंग प्रोडक्ट का रिव्यू। सो अगर आप अपने बेबी के लिए लेने के लिए अगर सोच रहे होंगे तो ये वीडियो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो। सो मैं आज रिव्यू करने जा रही हूँ प्ले जिम। सो प्रोडक्ट ये है और ये कुछ इस तरीके से आया था। सो आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है पियानो फिटनेस रैक। ओके, सो मैंने सबसे पहले इसे ट्राई किया था फर्स्ट ट्राई पे, तो इसका प्राइस जो था बहुत वरी कर रहा है, फर्स्ट टाइम भी बहुत वरी कर रहा है, लाइक 3,000-3,500-4,000 रुपीज़ में थोड़ी सी एक्टिविटीज शायद ज़्यादा है। बट जो सेम प्रोडक्ट का प्राइस मैं बता रही हूँ फर्स्ट टाइम पे 3,000-2,500-3,500 कुछ इस तरीके से वरी कर रहा है। फिर मैंने इसे अमेजन पे देखा तो अमेजन पे इसका प्राइस था 1,100 रुपये में मुझे ये मिला है। एंड इसका प्राइस इस पर जो लिखा हुआ है दैट इज 2599, मतलब 2600 रुपये लिखा हुआ है। तो डिस्काउंट पे मिला होगा कुछ 50% जितना भी डिस्काउंट उस टाइम पे चल रहा होगा, तो 1,100 रुपये। एंड अभी तो इसका शायद प्राइस 900 या 1,000 रुपये कुछ है, बट उस टाइम पे मुझे ये 1,100-1,100 रुपये में जो था वो मिला था। सो ये कुछ इस तरह का बॉक्स था, ठीक है। सो इस तरह का बॉक्स था, पैकेजिंग बहुत अच्छी आई हुई थी, अंदर से जितनी भी जो चीज़ें जो भी कनेक्ट करने के लिए थी वो सारी की सारी अच्छे से रैप इस तरीके से होकर आई थी। अगर पिक्चर होगा तो मैं यहाँ पर इंसर्ट कर दूंगी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से आया था। देन इसको आपको अटैच करना होता है। सो इसे अच्छे से पूरे तरीके से अटैच करा था। एंड जब फर्स्ट टाइम मैंने अपने बेबी को इस पर लेटाया था, शी वॉज डैम एक्साइटेड, मतलब उससे आधे घंटे तक तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें कुछ इस तरीके से रेटल्स हैं। और जब मैंने ये मंगाया था तब मेरी बेबी थी 4 मंथ्स की, तो उस टाइम पे बच्चों को बड़ा मजा आता है कुछ कुछ खाने को दे दो, ऐसे खींच कर कुछ खाने को दे दो, रेटल्स दे दो, तो उस टाइम पे वो बड़ा इसको इंजॉय करती थी। अब इतना इंजॉय नहीं करती है, बट स्टिल मैं आपको बताऊंगी कि अभी वो 7 मंथ्स की है एंड शी इंजॉयज दिस काइंड ऑफ पियानो जो इसमें यहाँ पर ये डिटैचेबल है। आप इसको डिटैच करके उसको ऐसे ही खेलने को दे दो, उसको बड़ा मजा आता है। और रेटल्स अलग से दे दो तो मजा आता है। मैट मुझे अभी बहुत यूज में आ रही है, तो मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखाती हूँ कि इस तरीके से। एंड अभी मैं इसको आपको अटैच करके जो है वो पूरा एक क्लिप डाल दूंगी कि कैसे इसको आप अटैच कर सकते हो अगर आप परचेस करते हो तो। यहाँ पे पोजीशंस भी दी हुई थी। ओके, सो देखिए आई थिंक ये आपको दिख रहा होगा, आप बेबी को उल्टा करके इस तरह से लेटा सकते हैं, एक इस तरह से बिठा के वो पियानो से प्ले कर सकते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रिफरेबल पोजिशन है वो ये है कि आप लेटा के उसको इस तरह से उसको खिला सकते हैं। एंड इसको जो यूज़ कर सकते हैं न्यूबॉर्न बेबीज, फाइन मोटर ट्रेनिंग, टच सेंस। और मैंने इसको लिया था मोस्ट प्रॉबेबली जो इसमें चीज़ें दी थी कि बच्चों की सेंसिबिलिटी बढ़ती है, विजुअल ट्रेनिंग होती है, लिम्ब ट्रेनिंग होती है, ऑडिटरी ट्रेनिंग होती है, डिटैचेबल है, 0+ मंथ। ओके, 0+ मंथ, आप कभी भी इसको परचेस कर सकते हैं। ये अभी तक उससे खेल रही है तो पैसा तो वसूल है इस चीज़ का। मैंने लेने के बाद ऐसा मुझे पछतावा नहीं हुआ कि मैंने इसको क्यों परचेस किया था। सो प्रोडक्ट अच्छा है, 50-50 रिव्यू है, आप चाहें तो ले भी सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी ले सकते। प्रोडक्ट अच्छा है, बट इस प्रोडक्ट के लिए 1,000 रुपये पे करना इज़ वर्थ, उससे ज़्यादा तो मैं पे नहीं करूँगी। उससे ज़्यादा फिर मैं किसी और चीज़ में पे करूँ तो वो बेटर है। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा कोई चीज़ दी नहीं है। सो ये है पियानो कि शायद इस पर अच्छे से फोकस आ रहा है। यहाँ पर ही बटन है, इस तरीके से यहाँ पर साउंड्स बजते हैं, आप देख सकते हैं 4 बटन से, ठीक है। और एक तो कंटिन्यू साउंड बजता रहता है और एक है जिसमें सिर्फ आपके ऐसे ट्यून्स बजती हैं। और इस तरह की जो मैट है वो आती है, इसमें फॉर्म है हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा थिन नहीं है, अच्छा खासा थिक मटेरियल है, थोड़ा सा फॉर्मी है, सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिकली सॉफ्ट है। आपको इसके ऊपर कुछ बिछाना नहीं पड़ेगा, अगर आपका बेबी डायपर में है आप इजीली इसको इसमें लेटा सकते हैं। सो अगर बात करें प्राइस की तो यार पियानो अगर आप इस टाइप का कुछ लेना चाहोगे तो 300 रुपये समथिंग तो आएगा ही आएगा। मैट लोगे तो भी 150-200 रुपये, ड्राई शीट जो हम लेते हैं बेसिकली वो 180 इस तरीके से आती है, तो ये ड्राई शीट ही है। बाकी रेटल का सेट भी लोगे 200-300, तो ये मिला के ओवरऑल 1,000 रुपीज़ तो कुछ हो ही रहा है। तो वर्थ है, अगर आपका बेबी इसमें इंजॉय करता है, आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। और जैसे कि उन्होंने बताया है कि इसमें ऑडिटरी ट्रेनिंग, विजुअल ट्रेनिंग, डिफरेंट डिफरेंट काइंड से आपकी बेबी की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सो इट माइट बी हेल्पफुल फॉर बेबी एक्चुअली। सो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मुझे इसने 2 से 3 महीने तक बहुत इंजॉय करा है। अब ये उसके साथ पियानो के साथ बहुत ज़्यादा प्ले करती है, इसको बिठा दो तो वो उसके साथ ऐसे बजाती रहती है, तो उसको बड़ा मज़ा आता है। कलर्स नहीं दिखते हैं, बस वो ये सोचती है कुछ कलरफुल दिखे, बट कलर नहीं, बट उसको बजाने पर जब साउंड बजता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। बाकी बच्चा जो है वो पैर से इसको मारता है, मतलब उसको उल्टा लेटाओगे तो अभी चाहते पैर जो होगा वो पियानो का साइड होगा, सो वो उसको पुश करेगा तो बजेगा। तो ऐसा हल्का फुल्का सा करती थी वो, बट ज़्यादा नहीं करती थी कि मतलब बज रहा है, उसको ऐसा कुछ समझ में नहीं आता। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे मैं विजुअल ट्रेनिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग बोला है कि बच्चा को जब बजेगा तो वो उसको कंटिन्यू बजाएगा, वो इस तरह से तो मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि वो कुछ कर रही है। बट बाकी प्ले जिम, मतलब बाकी उसने इसके साथ खेला बहुत है। तो मैं अब क्लिप ऐड करती हूँ कि इसको आपको इंस्टॉल कैसे करना है एंड देन बताऊंगी मेरी बेबीज के साथ कैसे जुड़ना हो। तो प्लीज़ इसको ढेर सारे लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए आए हैं इस चैनल।
चैनल पे, तो प्लीज कंसिडर करना, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बेबी से रिलेटेड आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज जो है इसमें इस चैनल पे देखने को मिलेंगी, क्योंकि मेरी बेबी जो है वो ग्रोइंग स्टेज पे है, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर कर रही हूँ उसके लिए, अलग अलग शॉपिंग कर रही हूँ, अलग अलग प्लेइंग एक्टिविटीज ढूंढ रही हूँ। बाकी मैं इसके जो ईटिंग शेड्यूल है कि मैं इसको एक दिन में, मतलब 6 मंथ्स के बेबी को आप क्या क्या दे सकते हैं, उसके वीडियोज भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊंगी, क्योंकि मैं खुद उस चीजों को सर्च करती थी बहुत ज्यादा। तो अब मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट है कि मैं इस तरह के वीडियो जरूर शूट करूँ ताकि वो दूसरों के लिए हेल्पफुल हो। तो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल, बाकी बेल बटन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। लेट्स कीप वॉचिंग। तो सबसे पहले अटैच करनी है मैट, और उसके लिए सिर्फ इस तरह से होल दिए हैं, उसमें उसका जो अटैचमेंट के लिए आपको एक बेल्ट दिया हुआ है उसे डाल देना है, दैट्स इट। तो 4 अटैचमेंट है आपको, बस उसे अटैच करके उसमें अटैच करना है पियानो। उसके लिए बड़े बड़े से प्लास्टिक के स्क्रूज दिए हुए हैं, उससे बहुत ईजिली आप उस जैसे स्क्रू लगाते हैं वैसे उसको पियानो को अटैच कर दें। पियानो को आप अटैच कर सकते हैं किसी भी एंगल से इस स्क्रू की हेल्प से। देन लास्ट में तैयार करना है हम इसका जो ये एक्टिविटी, जो भी रैटल्स हैंग करने के लिए हम एक पाइप सॉर्ट ऑफ अ थिंग दी है, उसमें हमें सारे रैटल्स को हैंग करना है, जो कि बहुत इजी है। देन हमें इसे इंसर्ट कर देना है इसके होल्स में, दैट्स इट। उसके बाद आपको और कुछ नहीं करना है, आपका प्लेजिम तैयार है।